Downtown in the city, I'm a wanted. सारे लोग बोले मुझे wanted. सिर्फ मोहब्बत थोड़ी मुझे ज्यादा wanted. राधे 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 wanted. How good. Fully mad. Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के episode में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की ईद 2020 पर रिलीज होने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के टाइटल ट्रैक और BGM के बारे में. कल से जब से ये क्लिप आई है दबंग 3 तो एक साइड हो गया. राधे का जो बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है सभी लोगों को. 2009 में आई हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म वांटेड का जो किरदार था राधे, उसकी यादें ताज़ा हो गई. एंड गाइस, कल शाम से चाहे वो YouTube हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लेकिन जो तमाशा TikTok पे चला है बॉस, पीपल हैव गॉन क्रेजी. TikTokers ऑन दिस राधे राधे म्यूजिक हैव डन द अनबिलीवेबल. एंड गाइस, ये BGM जो पीछे आया है ये खुद एक सबसे बड़ा अंदेशा है, एक सबसे बड़ी वार्निंग है कि राधे द मोस्ट वॉन्टेड भाई इज बैक एंड इज बैक विद द मास डायरेक्टर प्रभु देवा. वेल फ्रेंड्स, जिसका टाइटल है राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई, ये टाइटल ही 300 करोड़ के बराबर है. ये टाइटल ही काफी है पब्लिक को थिएटर में खींच के लाने के लिए. लेकिन जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी, जो प्रमोशन सलमान खान ने ये दबंग 3 के मोशन पोस्टर के साथ इसको अटैच करके किया है, इट्स अ मास्टर मूव गाइस. वेल फ्रेंड्स, बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि गाने में क्या बज रहा है, क्या है आप हमें बताइए. इसलिए गाइज, आज के एपिसोड में मैं आपको लिरिक्स बताऊंगा इस गाने के, ताकि आप लोग भी इसे गुनगुना सके एंड इसे और वायरल करें. स्टार्टिंग में मैंने गाना गा तो दिया है, लेकिन अभी आपको आस्ते आस्ते बताऊंगा. पहली लाइन इस तरह की है, डाउनटाउन इन द सिटी आई एम वांटेड. ओके, सारे लोग बोले मुझे वांटेड, सिर्फ मोहब्बत थोड़ी ज्यादा मुझे वांटेड. राधे 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 वांटेड. Downtown in the city, I'm a wanted. सारे लोग बोले मुझे wanted. सिर्फ मोहब्बत थोड़ी ज्यादा मुझे wanted. राधे 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 wanted. भाई मैं इतना फास्ट गा नहीं सकता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की. एब्सोल्युटली अमेजिंग. अभी साजिद वाजिद का नाम उठ के आ रहा है, विशाल शेखर का नाम आ रहा है, कितने लोगों ने बोला हिमेश रेशमिया ने गाना बनाया. वेल फ्रेंड्स, अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है कि गाना किसने बनाया, क्या है गाना, किसने गाया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है. कुछ अलग ही आवाज लग रही है, कहीं वाजिद की लग रही है, कहीं कमाल खान की लग रही है. नो श्योरिटी इन दिस. अब इसके बाद सबसे बड़ी न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है कि मुकेश छाबड़ा, यस फ्रेंड्स, द फेमस कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ आ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मुकेश छाबड़ा जी ने इस फिल्म की कास्टिंग अपने हाथ में ली है. अभी तक सिर्फ दो ही लोग कास्ट हुए हैं, एक तो सलमान खान है एंड एक दिशा पाटनी है. डायरेक्टर प्रभु देवा है, प्रोड्यूसर सोहेल खान, अतुल अग्निहोत्री एंड निखिल नमित, ये सारे लोग अभी फिलहाल कंफर्म हुए हैं, इनको छोड़कर. एंड यस, आयंका बोस जो कैमरामैन है यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको छोड़कर कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है इस फिल्म के लिए. कास्टिंग इज स्टार्टेड यानी के कास्टिंग बिगिंस, ऐसा ट्वीट मुकेश छाबड़ा ने किया था कि कास्टिंग फॉर राधे बिगिंस. लेट्स होप गाइस वो कोई सॉलिड कैरेक्टर्स को कास्ट करे, स्पेशली द विलन जो सलमान खान के सामने होना चाहिए, वो सबसे तगड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए. ओके गाइस, तो जैसे इंतजार कीजिए. बस शूट 4 नवंबर को शुरू होने वाली है, आज से बहुत कम दिन बचे हैं. तो अनाउंसमेंट भी हो गई है, एवरीथिंग सेट एंड डन. आई थिंक अभी जितने सलमान खान के फैन क्लब के मेंबर्स हैं, जितने भी सलमेनिया पीपल है, अभी लोग चैन की सांस लेंगे. क्योंकि गाइज, ये राधे की जो अनाउंसमेंट है, दिस वॉज वन थिंग विच वी एवरी वन वॉन्टेड. एंड गाइज, अभी वॉन्टेड था, वॉन्टेड भाई वापस आ गए हैं. योर मोस्ट वॉन्टेड भाई सलमान खान इन एंड एज राधे, डाउन टाउन इन द सिटी आई एम वॉन्टेड. एंड इस गाने ने तो तबाही मचा दी है, मैंने कितनी बार सुना, आई डोंट नो. फुल मार्क्स मैन, एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन. ईद 2020.